नमस्कार दोस्तों। तो कल इंस्टीट्यूट ने न्यू सिलेबस अनाउंस किया है, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस आए हमारे पास। हमने एफएक्यू भी लॉन्च किया है, हमने एक डिटेल वीडियो भी बनाया था। एक क्वेश्चन जो बार बार आ रहा है स्टूडेंट की तरफ से वो है सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल को लेकर। तो ये सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल क्या है? ये आपको खुद के पेस में आपको खुद सेल्फ स्टडी करना है, आपको खुद पढ़ना है और एग्जाम्स लिखना है। इसके लिए इंस्टीट्यूट आपको क्या देगी? ई बुक्स देगी और आपको थोड़े ऑनलाइन लेक्चर्स भी देगी। ये जो आपको है डिजिटल लर्निंग हब में आपको मिल जाएगा। और ऑनलाइन मॉड्यूल जो आपको स्पेसिफिक नंबर ऑफ आवर्स जो देखने हैं वो इंस्टीट्यूट बताएगी और आपको उतने आवर्स उसको वॉच करना है। अब इसमें चार सेट है, सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी। अब सेट ए बी सी डी में, सेट ए इसको मैं कहता हूँ लॉ, कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज इसको बोलते हैं। सेट बी है हमारा स्ट्रेटेजिक कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। सेट सी ऑप्शनल है, सेट डी भी ऑप्शनल है। तो सेट सी में आपको रिस्क मैनेजमेंट, वैल्यूएशन, ये सब में से कोई चूज करना है। सेट डी में बस एक कॉन्स्टिट्यूशन, साइकोलॉजी, ये सब मॉडल्स में चूज करना है। अब मैं ये समझाने जा रहा हूँ कि किसको करना है, किसको क्या एग्जेम्प्ट है। कुछ एग्जेम्पशंस भी दिए गए हैं। तो पहली बात, अगर आप नवंबर 23 में एग्जाम्स लिख रहे हो तो ये तो बहुत क्लियर है, आपको कुछ करना नहीं है। अगर आप नवंबर 23 में एग्जाम्स लिखते हो और आप पास नहीं होते हो, फिर आप मई 24 में एग्जाम्स लिखते हो, इनके सभी कैटेगरी में फॉल करते हो, तो आपको जो ये सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल है ए और बी, ये आपको आफ्टर एग्जाम्स लिखना है। ये आपको आफ्टर एग्जाम्स लिखना है, बिफोर मेंबरशिप। बट नवंबर 24 के बाद आपको ये सब जो करना है ये बिफोर एग्जामिनेशन ही करना है, आफ्टर एग्जाम का ऑप्शन नहीं है। अब आप ऑलरेडी नवंबर 23 में एग्जाम्स लिखते हो, या आप इससे पहले आपने सीए फाइनल के एग्जाम्स लिखे हैं, या आप सीए इंटर 8 पेपर्स पास होते हो, तो आपको सी और डी जो ऑप्शनल मॉड्यूल्स है ये दोनों जो है ये एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। मतलब अगर आपने नवंबर 23 में एग्जाम सीए फाइनल लिखा है, या आप एलिजिबल हो, या आपने सीए इंटरमीडिएट के 8 पेपर क्लियर किए हैं, या आप आईपीसी से हो और आपने सीए फाइनल के एग्जाम्स लिखे हैं, तो आपको ऑप्शनल मॉड्यूल जो है सी और डी ये करने की जरूरत नहीं है। प्लस अगर आप नवंबर 23 में ग्रुप 1 क्लियर करते हो तो आपको ये पेपर एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और अगर ग्रुप 2 क्लियर करते हो तो ये पेपर भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सर दोनों ग्रुप क्लियर कर दिए तो भैया सीए बन ही गए, करेक्ट। तो ये है एक समरी में सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। इसके बाद अगर आपके मन में कुछ और डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा तो एक लाइक दे दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा यूट्यूब चैनल को, ताकि अपडेट्स जब हम देते रहें तो आपको वो अपडेट्स भी टाइमली मिलते रहें। थैंक यू।